Hi guys, this is Rafi. Guys, this is my first video. Actually, दोस्तों मैं आपको साइंस सब्जेक्ट बताऊंगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साइंस कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों. आप जो साइंस बचपन से पढ़ रहे हो, एक्चुअली मेरी जो वीडियो रहेगी उसमें दोस्तों सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और जो भी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. ओके, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों. तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और मेरी हर एक वीडियो दोस्तों टॉपिक वाइज रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. ओके, तो फाइनली दोस्तों मैं आज आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस विद द टर्म साइंस. तो दोस्तों साइंस होता क्या है आज हम सबसे पहले वो देखेंगे. आप बचपन से पढ़ रहे हो दोस्तों, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फाइनली आप टेंथ तक आ गए हो. बट दोस्तों आपको पता ही नहीं रहता साइंस है क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं साइंस होता क्या है, साइंस का मतलब क्या है. ओके दोस्तों, दैट इज साइंस. द साइंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड. साइंस कहां से आया दोस्तों? लैटिन वर्ड से आया है, साइंटिया. कौन से वर्ड से आया दोस्तों? लैटिन वर्ड साइंटिया, which means knowledge. So we can define the term science. Science is a knowledge of anything. क्या बोलेंगे साइंस के बारे में? Knowledge of anything. Knowledge of anything is called science. Okay दोस्तों, और दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं knowing the truth or fact. Knowing the truth or fact, that is science. सच्चाई को जानना ही साइंस कह रहे हैं दोस्तों. ट्रूथ क्या है? दैट इज साइंस. किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर उसके ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं डिटेल में और उसकी सच्चाई क्या है, दैट इज साइंस. किसी भी चीज को जानना ही साइंस है और बेसिकली द ट्रूथ और फैक्ट, उसकी सच्चाई को जानना ही दोस्तों साइंस है.